हे गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने एफटीपी का चैप्टर स्टार्ट किया था। अपन ने उसकी बेसिक्स करे थे और उसके बाद अपन ने कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे। इस वीडियो में अपन आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हालांकि बेसिक्स में दो तीन चीज़ें हैं जो अभी बची हुई हैं, वो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर और दी आईईसी कोड, जिसे कहते हैं। आईईसी कोड क्या चीज़ है? ये एक तरीके का कोड नंबर होता है। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो ये कोड नंबर आपके पास होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हर किसी के पास एक पैन नंबर होता है, पैन कार्ड होता है, इनकम टैक्स में जो पैन कार्ड होता है वही आपका आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट माना जाता है, राइट? और उसी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी पैन नंबर के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ये हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग नंबर होता है, हर किसी का अलग अलग पैन नंबर होता है। वैसे ही अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको आईईसी कोड यानी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना बहुत ज़रूरी है। ये पैन कार्ड के बेसिस पर ही कोड दिया जाता है, यानी एक पैन के अगेंस्ट एक ही आईईसी जो है वो अलॉट किया जा सकता है। ओके, तो पढ़ें इसको। एंड आईईसी इज़ अ 10-digit number, इट इज़ अ 10-digit number, 10 अंकों का ये नंबर है। अलॉटेड टू अ पर्सन दैट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपल्सरी फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटीज़। यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए ये 10 digit का नंबर होना आपके लिए कंपल्सरी है। नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शैल बी मेड, नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शैल बी मेड बाई एनी पर्सन विदाउट ऑप्टेनिंग एन आईईसी। जिसने आईईसी नहीं लिया है वो कोई भी तरीके का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। Only one IEC is permitted against one permanent account number. एक पैन के अगेंस्ट एक ही IEC मिल सकता है। If any PAN card holder has more than one IEC, अगर किसी के पास एक से ज़्यादा importer exporter code है, the extra IECs shall be disabled. तो जो भी extra होंगे उनको disable कर दिया जाएगा। सिर्फ एक ही importer exporter code एक PAN number के अगेंस्ट valid हो सकता है। किस फॉर्म में इसकी एप्लीकेशन जाती है? इट इज़ इन फॉर्म नंबर ANF 2A। ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको सबमिट कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? डिटेल्स ऑफ द एंटिटी, जिसमें आपका पैन कार्ड आ जाएगा, एड्रेस प्रूफ आ जाएगा, सिन यानी जो आपका कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन नंबर है वो, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो नंबर होता है ना सिन, वो आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर, जो आपके डिटेल्स ऑफ बैंक हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। और डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल, उसका पैन कार्ड, अगर कोई इंडिविजुअल ऑप्टेन कर रहा है आईईसी तो उसका पैन कार्ड, डिन और डीपिन दैट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन कंपनीज के लिए होता है और डीपिन कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए होता है, और डीपिन जो होता है वो LLP के पार्टनर्स के लिए होता है। ID प्रूफ और फोटोग्राफ एंड द डिजिटल सिग्नेचर दैट इज़ DSC, ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर ऑप्टेनिंग द IEC दैट इज़ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। एग्जेम्पशंस फ्रॉम ऑप्टेनिंग IEC, किन किन लोगों को IEC लेने की ज़रूरत नहीं है? मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। बट ऑब्वियसली अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको IEC लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। Persons importing or exporting the goods for personal use and are not connected with trade or manufacture or agriculture. मतलब ऐसे लोग जो goods को personal consumption या personal use के लिए लेते हैं, मतलब उनका business नहीं है import या export का, वो सिर्फ उन goods को खुद consume करते हैं, self consumption के लिए लेते हैं, तो उन लोगों के लिए IEC लेना ज़रूरी नहीं है। Persons importing or exporting goods from or to Nepal, Myanmar, through Indo-Myanmar border areas and China through, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये पोर्ट्स हैं, इंडो चाइना पोर्ट्स हैं इंडिया और चाइना के। तो अगर आप इन पोर्ट्स के लिए अंदर करते हो तो आपको ज़रूरी नहीं होता IEC, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है कि आप जो लेके आ रहे हो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का, जो आपका जो भी सामान आप लेके आ रहे हो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। अगर आप उस मॉनेटरी वैल्यू के अंदर होते हो तो आपको IEC लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उस मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर गए तो आपके लिए IEC कंपल्सरी हो जाएगा। Provided the CIF value of a single consignment does not exceed 25,000 Indian rupees, यानी CIF value जो है वो consignment की वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। CIF value क्या होती है मैं अभी आपको आगे समझाऊँगा।
दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होती है एफओबी वैल्यू और एक होती है सीआईएफ वैल्यू। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इन केस ऑफ द नाथुला पोर्ट द एप्लीकेबल वैल्यू सीलिंग विल बी 1 लाख रुपीज़। अगर आप नाथुला पोर्ट के थ्रू लेकर आते हो तो उसमें जो एप्लीकेबल वैल्यू ऑफ सीलिंग है वो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगी। मतलब अगर आप 1 लाख रुपये से अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो करते हो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का, तो आपके लिए आईईसी कंपलसरी नहीं है, ओनली इफ़ इट इज़ डन थ्रू द नाथुला पोर्ट। इनके अलावा अगर आप किसी और पोर्ट से करते हो या फिर नेपाल म्यांमार या चाइना के थ्रू करते हो अलग अलग पोर्ट से, तो 25,000 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो एप्लीकेबल होगी। अगर उस वैल्यू के ऊपर आपका आता है वैल्यू जो भी आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका, तो फिर आपको आईईसी लेना कंपलसरी हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट इज स्कॉमेट। स्कॉमेट के लिए मैंने आपको बताया ही था कि इनकी स्पेशल कैटेगरी होती है। स्कॉमेट वैसे भी करना इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड होता है, या फिर इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते ही होते हैं। तो बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे उनमें आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, एंड सिंस आप अप्रूवल लोगे तो फिर उसके लिए आई इम्पोर्ट और एक्सपोर्टर कोड लेना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन को करना है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में है कि अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट की, मतलब अगर आप इंडिया से बाहर कुछ भेजना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। इनके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो लग सकते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। जो पहला है वो है बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। ये जो बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल होता है, एयरवे बिल इज़ बेसिकली थ्रू द एयर कार्गो, जो एयरप्लेन कार्गो होता है उसमें यूज़ होता है। अगर आप एयर मोड के थ्रू कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एयरवे बिल बनेगा, अगर आप दूसरे मोड के थ्रू कर रहे हो दैट इज़ बाय रोड और थ्रू सी, तो आपका बिल ऑफ लेडिंग बनेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल कब बनाया जाता है, जब आपके गुड्स जो हैं वो लोड किए जाते हैं, दीज आर लोडेड ऑन द ट्रांसपोर्ट। जब आपके गुड्स जब लोड कर दिए जाते हैं या तो शिप में या प्लेन में या ट्रक में, जो भी होगा जिसके भी थ्रू आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जैसे ही वो लोड होंगे उस टाइम आपको बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल इशू किया जाएगा। फिर आता है कमर्शियल इनवॉइस एंड द पैकिंग और द कम पैकिंग लिस्ट। मतलब कमर्शियल इनवॉइस होगा, एक तो इनवॉइस होगा जिसमें गुड्स होंगे सारे लिखे हुए, उनकी वैल्यू टोटल कितनी हुई है वो होगा, और फिर एक साथ में वो पैकिंग लिस्ट भी देंगे जिसके अंदर गुड्स की डिटेल्स लिखी होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस एक पैकेट या एक कंसाइनमेंट के अंदर इंक्लूड हुई हैं, तो वो पैकिंग लिस्ट में आएगा। फिर आता है आपका शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये आपको तब दिया जाता है व्हेन द ट्रांसपोर्ट लीव्स। जैसे ही आपका शिप या एयरप्लेन या जो भी आपका है वो इंडिया से बाहर निकल जाता है, मतलब जो उनका पोर्ट है वहाँ से डिपार्ट हो जाता है, तब आपको जो है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें ये डिटेल लिखी रहती है कि कहाँ से गुड्स निकले हैं, कौन से पोर्ट से निकले हैं, कहाँ तक जाएंगे और कौन कौन सी जगहों से होते हुए निकलेंगे। तो ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, पहला होता है बिल ऑफ लेडिंग और दी एयरवे बिल, जो आपको तब दिया जाता है जब आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट पर लोड कर दिए जाते हैं। फिर होता है कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, जो कमर्शियल इनवॉइस होता है, जो इनवॉइस में सारी डिटेल्स आते हैं गुड्स के, और पैकिंग लिस्ट साथ में होती है कि एक कंसाइनमेंट के अंदर किस किस तरह के और कौन से गुड्स पैक किए हुए हैं। और फिर आता है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जब आपका ट्रांसपोर्ट जो है उस पोर्ट से चल जाता है यानी अपनी जर्नी शुरू कर देता है, तब मिल जाता है आपको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नीचे नोट में क्या लिखा है, एज पर सीबीएसई सर्कुलर 1/15 कस्टम्स डेटेड 12 जनवरी 2015, सेपरेट कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट वुड आल्सो बी एक्सेप्टेड। अगर आप कमर्शियल इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट अलग अलग देते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन टू इंडिया, मतलब अब अगर आप इंडिया के अंदर कुछ लेकर आ रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सेम लाइन्स पर यही वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि जो ऊपर अपन ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े वो बाहर ले जाने के लिए थे और जो नीचे अपन डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे वो अंदर लाने के लिए है। तो यही सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। ये वही बिल ऑफ लेडिंग एयरवे बिल होगा जो वहाँ जिस जहाँ से अगर आपके यूएस से आ रहे हैं गुड्स तो यूएस में इशू होंगे और वो बिल ऑफ लेडिंग
ट्रेडिंग और एयरवे बिल की एक कॉपी आपको भी, यानी जो खरीद रहा है गुड्स उसको भी दी जाएगी। तो वही बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, तो जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं उसने आपको कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट दिया ही होगा। और फिर आ जाएगा बिल ऑफ एंट्री जो आपको यहाँ इशू करानी पड़ेगी, यानी इन इंडिया, इसके थ्रू ही आपके गुड्स जो है वो इंडिया में एंटर होंगे। बिल ऑफ एंट्री में आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि कौन से गुड्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, और साथ में कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी भी इसके अंदर लगानी होगी। जब आप बिल ऑफ एंट्री ले लेंगे तभी आपके गुड्स जो हैं वो पोर्ट के अंदर आ पाएंगे। अगर बिल ऑफ एंट्री आपने नहीं ली तो वो वैसे के वैसे शिप पर पड़े रहेंगे, उनको अनलोड नहीं किया जा सकेगा। जब तक बिल ऑफ एंट्री नहीं होगी तब तक आपके गुड्स पोर्ट पर नहीं आ पाएंगे और आप उनको पोर्ट से आगे भी नहीं ले जा पाएंगे। तो बिल ऑफ एंट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए अपने, एक तो बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल, वो तो ओरिजिनल ही होगा। बिल ऑफ लेडिंग एयरवे बिल जहाँ से गुड्स शुरू हुए हैं वहीं दिया होगा बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। और कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट तो होगा ही, जो आपको जिसने बेचा है, सेलर ने बेचा है, तो वो आपको ज़रूर कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट देगा। बिल ऑफ एंट्री आपको ऑप्टेन करनी पड़ेगी, जिस पोर्ट पर आपके गुड्स आने वाले हैं वहाँ पर बिल ऑफ एंट्री ले लीजिए, तभी आपके गुड्स जो है वो शिप से नीचे उतारे जाएंगे, अदरवाइज नहीं उतारे जाएंगे। नोट में क्या लिखा है, एज़ पर CBEC सर्कुलर नंबर 1/15 कस्टम्स डेटेड 12th January 2015 सेपरेट कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट वुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। वही लिखा है कि ये जो गुड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस सर्कुलर में लिखे थे, और इसमें ये भी लिखा है कि कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट जो है वो अलग अलग भी एक्सेप्टेबल होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल इनवॉइस के अंदर गुड्स की लिस्ट भी हो, सिर्फ ये भी यही लिखा हो सकता है कि पर्टिकुलर गुड्स हैं और इतनी इतनी क्वान्टिटी के हैं, हो सकता है उनकी डिटेल ना हो, जो डिटेल हो वो पैकिंग लिस्ट में लिखी गई हो, तो उनका सेपरेट होना भी चल सकता है। फिर क्या नीचे लिखा है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ गुड्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट, एनी अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एक्सेट्रा, अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। मैंने आपको कहा था कि ये हार्ड एंड फास्ट लिस्ट नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, इसके अलावा हो सकता है कोई और डॉक्यूमेंट्स भी हो जो एप्लीकेबल हो, या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनके जो गवर्नमेंट ने बोला हो कि ये भी आपको रखने पड़ेंगे अगर आपका स्पेशल केस है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। अभी अपन ने सिर्फ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता ही है कि ये जो फॉरेन ट्रेड है उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी कौन सी है, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो वो उन्होंने ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं कुछ कुछ चीज़ों पर। अगर वो फ्रीली सारी चीज़ें अलाउ करना शुरू कर देंगे तो पता नहीं अनशन चीज़ें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगेंगी, इसलिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो अपन को पढ़ना ज़रूरी है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, वॉट आर द रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज बाय DGFT और वॉट आर दी रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ये करके भी पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको ये जो रिस्ट्रिक्शंस है DGFT के वो लिखना ज़रूरी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये कभी कभी, जिसका डायरेक्ट आंसर ये सारे के सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। DGFT दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड में थ्रू अ नोटिफिकेशन जारी कर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट necessary for protection of public morals. पब्लिक मॉरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ, अगर इन चीज़ों को खतरा पहुँचा या इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो DGFT चाहे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। जैसे अभी डला हुआ है कि आप जो एग्जॉटिक एनिमल्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के वेट मार्केट से ही एग्जॉटिक एनिमल्स के मीट कंज्यूम करने से ही कोविड का जो फैला है वो उसी तरीके से फैला है। तो इसलिए WHO ने अभी जो है बोला है, WHO तो चलो इंटरनेशनल बॉडी है, वैसे इंडियन बॉडी DGFT भी बोल सकती है कि इंडिया में आप कोई भी एग्जॉटिक एनिमल या कुछ भी लेकर अंदर नहीं आ सकते, या इंडिया से कोई भी एनिमल को बाहर आप नहीं ले जा सकते। तो अगर किसी भी तरीके का खतरा है ह्यूमन लाइफ को, एनिमल्स को या प्लांट्स को, तो उनके लिए भी चीज़ों को रोका जा सकता है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स।
एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, मतलब धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी किया जा सकता है, इसको रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आप जानते ही हैं बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर फेक ब्रांड नेम्स के थ्रू कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे हो सकता है कपड़े हो या बैग्स हो या कुछ भी हो, वो फेक होते हैं। सिंगल सिंगल कॉपीज़ बनाकर, फर्स्ट कॉपीज़ बनाकर लोग बेचते हैं, जहाँ पर पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स को भी इन्फ्रिंज किया जाता है। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी का अगर आपने लेबल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन डियोर जो है वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, अगर आपने क्रिश्चियन डियोर का एग्जैक्टली सेम हैंड एग्जैक्टली सेम फॉन्ट का लेबल बनाकर कपड़े पे लगा दिया, तो ये एक इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा ट्रेडमार्क का। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, वो क्रिश्चियन की स्पेलिंग चेंज कर कर बाकी सब सेम रख देंगे क्रिश्चियन डियोर करके, तो सामने वाले को लगेगा कि ये ओरिजिनल ब्रांड है और इसको ख़रीद लो। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ब्रांड को गलत कुछ करने की कोशिश करते हो, इन्फ्रिंज करने की करते हो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट्स को, तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी DGFT चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ़ यूज़ ऑफ प्रिजन लेबर। कई बार ना प्रिजन लेबर का बहुत गलत इस्तेमाल भी किया जाता है गलत गलत चीज़ें बनाने के लिए। प्रिजन लेबर कौन सी होती है, जो जेलों में कैदी होते हैं ना, उनसे काफ़ी चीज़ें करवाई जाती हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कई बार दिखाते हैं सीन्स में कि वो पत्थर तोड़ रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो कई बार ना उनसे प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें भी कराई जाती हैं। तो कहीं आप उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए भी DGFT चाहे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेजर्स ऑफ आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू। कहीं आप हिस्टोरिक चीज़ों को एक्सपोर्ट कर हमारे कंट्री की हिस्ट्री या जो भी हमारा हेरिटेज है या कल्चर है, कहीं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तो अगर आप ऐसा करोगे तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी DGFT आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो एग्जॉस्टेबल नेचर के हैं, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, और हो सकता है इंडिया में भी उनकी कमी हो। कुछ मिनरल्स ऐसे हो सकते हैं जो एग्जॉस्टेबल वैल्यू के हैं, अगर उनकी कमी इंडिया में है तो DGFT आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि आप इन चीज़ों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ फिशनेबल मटीरियल और मटेरियल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। फिशनेबल मटेरियल कौन सा होता है, फिशनेबल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो अपने आप मल्टीप्लाई हो पाए, तो फिशनेबल मटेरियल होता है बेसिकली एटम्स। ओके, जो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर आपने सुना हो या न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको पता हो, तो उसमें एटम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है जो उनका पावर हाउस होता है। तो न्यूक्लियस कभी कभी ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो एक एटम से दो एटम्स बन जाते हैं, एक टाइप का रिप्रोडक्टिव नेचर होता है उनका, तो वो ऐसे डिवाइड होते होते बहुत सारे एटम्स क्रिएट होते जाते हैं, तो इसको फिशनरी मटेरियल कहा जाता है। क्योंकि ये या तो ये हो सकता है कंबाइन हो के एक हो जाए तो वो भी हो सकता है, या फिर ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को फिशन कहा जाता है, इसलिए उसको फिशनरी मटेरियल कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई मटेरियल है एटम से रिलेटेड और न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक इन आर्म्स, एम्यूनिशन एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ वॉर। तो कोई भी आर्म्स, एम्यूनिशंस या इम्प्लीमेंट्स ऑफ वॉर है, तो उनके लिए भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकता है। क्योंकि आर्म्स, एम्यूनिशंस आप जानते ही हो कि खतरनाक चीज़ें होती हैं, गलत तरीके से इंडिया में लाए जाएँ या इंडिया से बाहर ले जाई जाएँ, तो उनके लिए भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, इजी पॉइंट्स है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला पब्लिक मॉरल्स के बारे में है, फिर ह्यूमन लाइफ, एनिमल और प्लांट लाइफ के बारे में है, फिर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस या ट्रेडमार्क्स के बारे में है, फिर प्रिजन लेबर है, फिर नेशनल ट्रेजर्स है, फिर एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज है, फिशनेबल मटीरियल है और आर्म्स और एम्यूनिशंस है। ओके, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजिली ये लर्न हो जाएगा आपको, इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ अपन को स्टार्ट करनी है वो स्कीम्स के बारे में है। ये जो आपका चैप्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये बेसिकली स्कीम्स ही हैं सारी की सारी जो अपन को पढ़नी है, इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो पहला पार्ट है ये बेसिक स्कीम्स से रिलेटेड है, मतलब ये जो अपन दो स्कीम्स पढ़ेंगे ये बेसिक स्कीम्स है, इसमें इतना कुछ है नहीं। सेकेंड पार्ट अपन मेजर स्कीम्स का पढ़ेंगे, जो मेन मेन स्कीम्स आती हैं इस एक्ट, इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ इस पॉलिसी के अंदर। और जो लास्ट अपन पढ़ेंगे वो
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में होगा। ठीक है, अब जो दो पॉइंट्स मुझे बेसिक के आपको बताने थे वो मैं अभी बता देता हूँ, और फिर अपन ये जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स है इसका टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो कुछ भी, राइट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जब आप कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है वो गुड्स की वैल्यू देखी जाती है। मतलब गुड्स की वैल्यू के ऊपर ना काफ़ी कंपेरिजन्स निकल आते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा कि आपके ऊपर आईईसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा कि अगर आपने एफओबी वैल्यू जो है वो 25 या सीआईएफ वैल्यू जो है वो 25,000 रुपीस के अंदर होनी चाहिए या 1 लाख रुपीस के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू वो बोल रहे हैं ना सीआईएफ वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है इसका बहुत जगह अभी सिग्निफिकेंस आएगा, और ये दो तरीके से डिटरमाइन होती है, एक होता है एफओबी और एक होता है CIF। तो जो गुड्स की वैल्यू होती है उनको डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, एक जिसे कहते हैं FOB या FOR भी कहा जाता है इसे, और एक जो होता है आपका CIF। तो जब हम CIF की बात करते हैं इसका मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ओके, तो CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो इसको कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट क्यों कहा गया है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट का मतलब है कि जो जो आपकी वैल्यू होगी गुड्स की उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अब इसमें तीन चीज़ें जो है वो जिक्र की गई हैं, वो है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, आपने जो है गुड्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया आपने? अपनी फैक्ट्री में। और यही गुड्स जो है आपको कहाँ सेल ऑफ करने हैं? आई वॉन्ट टू सेल दीज गुड्स इन ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास ऑर्डर है इन गुड्स का, तो मुझे इन गुड्स को जो है वो ऑस्ट्रेलिया भेजना है। फैक्ट्री से निकलकर जब गुड्स पूरे हो जाएंगे, ये फैक्ट्री से डिस्पैच होकर आपके जाएंगे पोर्ट पर जहाँ से ये शिप होने हैं, ठीक है, शिपिंग पोर्ट पर ये आ जाएंगे। शिपिंग पोर्ट पर ये आएंगे, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद शिपिंग पोर्ट से ये कहाँ जाएंगे? ये लोड हो जाएंगे आपके शिप पर। ठीक है, लोड ऑन द शिप। अब यहाँ तक मान लीजिए जो आपने प्रोडक्शन किया, पर आइटम आपका प्रोडक्शन कॉस्ट था 1,000 रुपीज़ का, शिपिंग पोर्ट तक लाने के लिए 500 रुपये और लग गए, ठीक है, और लोड कराने के मुझे यहाँ पर 200 रुपये और लग गए। तो शिप पर लोड कराने तक मेरा टोटल कॉस्ट जो मेरे को इनकर हुआ वो कितना है? 1,000 + 500 + 200, दैट इज़ ₹1,700। ठीक है, तो
तो ये जो मेरा 1700 रुपये आया, दिस इज द FOB वैल्यू। FOB वैल्यू, अब जब मैंने FOB वैल्यू कहा तो FOB वैल्यू का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, या फिर अगर इसको हिंदी में मुझे बोलना हो तो लोड कराने तक की वैल्यू। जब तक आपने जो है इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट में लोड कराया है, तब तक लोड कराने तक की वैल्यू, ये होती है आपकी FOB वैल्यू। ठीक है, अब आपने जो है डॉक्यूमेंट्स सॉरी गुड्स को जो है वो शिप पर लोड करा दिया। अब शिप पर लोड कराने के बाद ये शिप ट्रैवल करेगा, तैरेगा 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 तैरेगा, जाएगा ऑस्ट्रेलिया तक। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा आपका शिप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र तय करने में मान लीजिए अगर रास्ते में कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और आपके गुड्स डूब गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब आपने इसके ऊपर इंश्योरेंस तो कराया नहीं, क्योंकि यहाँ तक अभी अपन ने देखा था अभी तक कोई इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो आपने कोई इंश्योरेंस इसके ऊपर नहीं कराया था। तो इंश्योरेंस होना ज़रूरी था या नहीं था? क्योंकि मिसहैपनिंग तो कहीं भी हो सकती है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, और अगर उसमें गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप इस आपके जो गुड्स हैं उसको आप इंश्योर करा लीजिए या उसका इंश्योरेंस आप ले लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया तक जाने का मैंने इसका इंश्योरेंस भी ले लिया। ठीक है, इंश्योरेंस के मान लीजिए मुझे 300 रुपये लग गए। अब ये गुड्स पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर आने के लिए आने के बाद अगर मुझे यहाँ से पोर्ट से अपने गुड्स को ले जाना है तो मुझे इनको शिपिंग का चार्ज भी देना पड़ेगा। यहाँ तक ये शिप से मेरे गुड्स को लेकर आए हैं तो शिपिंग का चार्ज भी दो भैया। पूरा मतलब ट्रैवल हो गया है, आपके जो गुड्स हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप हमें शिपिंग चार्ज दे दीजिए, जो हम अपनी शिप में इसको डालकर यहाँ तक लेकर आए हैं उसके चार्जेस आप दे दीजिए। तो ये जो शिपिंग चार्ज होता है इसको बोलते हैं फ्रेट। ठीक है, अब इस शिपिंग चार्ज के लिए मैंने आपको दे दिए 500 रुपये और। अभी हम रुपी टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, वो तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होगा वगैरह वगैरह। तो अब ऑस्ट्रेलिया तक लाने के लिए यानी इसकी डेस्टिनेशन तक लाने के लिए मुझे कितने पैसे पे करने पड़े? 1700 रुपये तो मेरे यहाँ तक हो चुके थे, राइट? 1700 कब तक हो चुके थे? जब ये गुड्स इंडिया से चले, तो 1700 रुपये वहाँ तक हो चुके थे, प्लस मैंने इसमें इंश्योरेंस लिया मेरा तो उसमें मैंने 300 रुपये और दिए, प्लस मैंने आपको शिपिंग चार्ज और दिया यानी फ्रेट के मैंने आपको 500 रुपये और दिए। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद वहां से जब मैंने गुड निकलवाए तो उनकी वैल्यू हो चुकी थी 2500 रुपये। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये कहलाती है CIF। CIF क्यों? क्योंकि इसमें आपका इंक्लूड हो गया कॉस्ट विच वॉज ₹1700, फिर इसमें इंक्लूड हो गया आपका इंश्योरेंस। विच वॉज ₹300 और इसमें इंक्लूड हो गया आपका फ्रेट विच इज ₹500। ओके, क्लियर हुआ? तो ये दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, फ्री ऑन बोर्ड दैट इज द FOB वैल्यू एंड कॉस्ट इंश्योरेंस इन फ्रेट दैट इज द CIF वैल्यू। तो बेसिकली अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना है तो FOB वैल्यू दैट इज फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू क्या होगी? ये मेरी हो जाएगी लोड कराने तक, और CIF वैल्यू मेरी हो जाएगी डेस्टिनेशन तक।
ठीक है। एफटीपी के अंदर क्या होता है, वैसे तो दोनों वैल्यूज देखते हैं ये एफओबी और सीआईएफ, लेकिन एक जो जनरल क्राइटेरिया है वो ये है कि एक्सपोर्ट जब आप करते हो तब वो देखते हैं एफओबी वैल्यू, और जब आप इंपोर्ट करते हो तब वो देखते हैं सीआईएफ वैल्यू। दिस इज़ एज़ पर एफटीपी। ओके अच्छा, अब ये ऐसा क्यों करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए एफओबी वैल्यू देखते हैं और इंपोर्ट के लिए सीआईएफ वैल्यू देखते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो वो सिर्फ ये देखेंगे कि इंडिया में, इंडिया के अंदर कितने चार्जेस लगे, यानी आपने उस गुड्स को डेस्टिनेशन, उसकी जो डेस्टिनेशन है यानी उस शिप जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होने हैं उस शिप तक पहुँचाने के लिए आपने कितने चार्जेस को इनकर किया, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही है जब तक आपने उस शिप पे उसको चढ़ाया है। उसके बाद जैसे ही शिप चलना स्टार्ट होगा तब माना जाएगा कि इंडिया से बाहर जाना शुरू हो गए। तो एक्सपोर्ट के लिए वो नॉर्मली एफओबी वैल्यू इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर वो सिर्फ उस शिप पर लोड होने तक है, उसके बाद वो इंडिया के बाहर चला जाएगा। और वो इम्पोर्ट्स में, इम्पोर्ट्स यानी इंडिया के अंदर लाने के लिए वो सीआईएफ वैल्यू इसलिए देखते हैं, सीआईएफ वैल्यू इसलिए देखेंगे क्योंकि इंडिया उसका डेस्टिनेशन है, वो शिप में लोड होकर गुड्स इंडिया तक आ रहे हैं जो इंडिया में उसका डेस्टिनेशन है, और इंडिया में फिर आपको ड्यूटी पे कर कर और चार शिपिंग चार्जेस पे कर कर उन गुड्स को लेकर आप अपने घर तक या अपनी फैक्ट्री तक उसको लेकर आ सकते हैं। इसीलिए वो इम्पोर्ट के लिए सीआईएफ वैल्यू देखते हैं क्योंकि इंडिया पहुंचने तक उसकी वैल्यू को देखा जाएगा, तो इसलिए वो सीआईएफ वैल्यू देखते हैं इंपोर्ट्स के केस में, और एक्सपोर्ट के केस में वो देखते हैं एफओबी वैल्यू। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम दो वैल्यूज देखी जाती हैं, एक होता है एफओबी और एक होता है सीआईएफ। एफओबी वैल्यू होती है फ्री ऑन बोर्ड, जो कि वैल्यू होती है आपने उस गुड्स को शिप तक लोड किया तब तक की वैल्यू, और सीआईएफ वैल्यू जो होती है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। कॉस्ट होती है जब तक आपने उसको लोड किया, दैट इज़ उसको या तो आप रफ टर्म्स में एफओबी वैल्यू भी कह सकते हो, प्लस द इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स प्लस द फ्रेट दैट इज़ इंकर्ड ऑन द गुड्स दैट इज़ द शिपिंग चार्जेस। इन सब को इंक्लूड करने के बाद बनती है आपकी सीआईएफ वैल्यू, जो कि डेस्टिनेशन पोर्ट पर देखी जाती है। तो जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हो तब एफओबी वैल्यू को कंसिडर किया जाता है क्योंकि शिप पर लोड होने के बाद वो गुड्स माने जाते हैं कि इंडिया के बाहर चले गए, और सिर्फ तब तक के ही चार्जेस को देखा जाता है। और जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के लिए जैसे ही गुड्स इंडिया में एंटर होंगे तो वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस उनको छुड़वाने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो उसमें सीआईएफ वैल्यू जो है वो देखी जाती है। ठीक है, समझ आया एफओबी और सीआईएफ का कॉन्सेप्ट? ये था जो एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो था SEZ का कॉन्सेप्ट। SEZ EOUs का कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे आपको बताना था, या फिर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया दैट इज़ DTA। ओके तो अभी अपन शुरू करते हैं SEZ EOUs, जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का कॉन्सेप्ट। सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अपन जब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन तब पढ़ेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि SEZ DTA और ये सब होते क्या हैं, क्या टर्म्स हैं ये एक्चुअली। और अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी जो लिखा था डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर मैं इंडिया का मैप बना लूँ, मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत पुअर हैं लेकिन फिर भी लेट मी ट्राई। ऐसा ही कुछ मैप है अपना, है ना? सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। तो ये इंडिया का मैप है, लग रहा है ऐसा कि मैप है, और फिर इंडिया का जो पूरा एरिया है, मतलब दिस इज़ द कंट्रीज होल टेरिटरी, और इसके बाहर जो सीज का भी एरिया है आपको पता है कितना होता है, वो भी इंडियन टेरिटरी ही कहलाता है। इंडिया के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं, यहाँ यहाँ बहुत सारी हैं वैसी जगहें, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, फॉरेन टेरिटरी जब मैं कह रहा हूँ तो फॉरेन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया के बाहर जो देश हैं उन्हीं टाइप का उनको माना जाता है, एक तरीके की फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। तो ये जो फॉरेन टेरिटरी टाइप होती है ना, इनको बोला जाता है SEZ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और ये जो एरियाज होते हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ने इनको डीमार्केट करके रखा हुआ है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये कौन से एरियाज होंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो इंडिया में कहीं कहीं काफ़ी काफ़ी जगहों पर लोकेटेड हैं। एक SEZ इंदौर में भी है जो एक STP है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये जो SEZ होता है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी एक तो बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत अच्छा क्लीन एरिया होता है, बाहर के ब्रांड्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स होती हैं, और इसमें जो है ऑफिसेज होते हैं काफ़ी कंपनीज के, और उसको एक स्पेशली डीमार्केटेड एरिया ही कहा जाता है, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये वाले जो जोन्स होते हैं ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स में ही डील करते हैं। इनका मेजर जो काम होता है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड ही होता है, चाहे वो कोई प्रोडक्शन कर रहे हो या चाहे वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो इनका मेजर काम होता है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही होता है। मैं कह रहा हूँ मेजर काम, आई एम नॉट सेइंग 100% एक्सपोर्ट, बट मेजर काम जो इनका होता है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही होता है, और इसलिए इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अलावा जो एरिया है इंडिया में, मतलब ये ग्रीन सर्कल्स के अलावा, ये जो ब्लू ब्लू सारा एरिया हो गया, ये वाला जो एरिया है ब्लू वाला, इसको कहा जाता है DTA, और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ओके, तो अगर मुझे इंडिया को एज अ होल देखना हो तो ये दो पार्ट्स में कंप्राइज है, जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज हार्डली 1% ऑफ द इंडियन टेरिटरी, और जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज 99% ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होता है वो अपना एरिया है, जैसे MP नगर और ये सब डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो स्पेशल एरियाज होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में लोकेटेड है, और दिल्ली में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, पुणे में है बानेर साइड जो पार्क्स बने हुए हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, वो सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उनको अलग से डीमार्केट करके रखा है, यानी एक फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। तो जब आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ सेल करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, यानी SEZ को, यहाँ पर आपने सेल किया है, हमने अभी देखा कि जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसके एरिया को आप इंडियन टेरिटरी मान रहे हो, यानी इंडिया मान रहे हो, और SEZ को आप कह रहे हो कि एक फॉरेन टेरिटरी टाइप है, राइट? फॉरेन टेरिटरी टाइप है। तो नॉर्मली जब इंडिया से कुछ फॉरेन टेरिटरी में जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, इस बात से एग्री करते हो? अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया इज़ इम्पोर्ट एंड टेकिंग आउट ऑफ इंडिया इज़ एक्सपोर्ट। तो जब आप इंडिया से कुछ बाहर लेकर जाते हो तो उसको एक्सपोर्ट माना जाता है। अब यहाँ पर आप कह रहे हो जो DTA वाला एरिया है वो तो नॉर्मल इंडिया है, और जो SEZ वाला एरिया है वो फॉरेन टेरिटरी के बराबर का हो जाता है, या उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो जब मैं DTA से कुछ SEZ में बेच रहा हूँ, यानी इंडिया से स्पेशल फॉरेन जोन में कुछ बेच रहा हूँ, तो वो भी तो एक्सपोर्ट होना चाहिए, राइट? एक तरीके से उसको भी एक्सपोर्ट मानना चाहिए। तो जब आप DTA से SEZ में कुछ बेचते हो तो उसको एक टाइप का एक्सपोर्ट माना जाता है, यानी इस वाली सेल को वो क्या कहते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब इट इज नॉट फुली एक्सपोर्ट, पर डीम्ड एक्सपोर्ट है। डीम्ड का मतलब होता है माना जाएगा कि ये एक्सपोर्ट है। तो इस सेल के ऊपर भी वो सारे टैक्सेस लगेंगे, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि आप एक तरीके का एक्सपोर्ट कर रहे हो, इट इज़ अ डीम्ड एक्सपोर्ट। तो इसके ऊपर भी जो है आपके टैक्सेस लग सकते हैं एक्सपोर्ट के, तो वही टैक्सेस इसके अंदर लगेंगे, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपोर्ट। ओके, एक्चुअल रियलिटी में एक्सपोर्ट नहीं है, बट इट इज़ अ डीम्ड एक्सपोर्ट। सिंस इट इज़ अ डीम्ड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्लूड हो गया इसके अंदर, तो आपको जो भी टैक्सेस इसमें एप्लीकेबल थे वो आपको पे करने ज़रूरी है। इन टैक्सेस के ऊपर आप चाहो तो, डीम्ड एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेस के ऊपर आप चाहो तो FTP ने जो स्कीम्स दिए हैं इनके बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो।
हो। ओके, एफटीपी के बेनिफिट्स आप इन स्कीम्स के ऊपर चाहो तो क्लेम कर सकते हो, ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो। ऐसा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने आपको अलाउ किया हुआ है। ओके, क्लियर हुआ एसईजेड का कॉन्सेप्ट। ये इनको एसईजेड ईओयूज भी कहा जाता है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो ये इनका पूरा फंडा होता है। अपन डिटेल में इसको एसईजेड एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, विच इज़ अवर चैप्टर नंबर 11। इसके लिए आपको बेसिक जानना ज़रूरी है कि एसईजेड और डीटीए होता क्या है और डीम्ड एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, यानी अगर डीटीए से कुछ एसईजेड में गया है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा, और एसईजेड के नज़रिए से देखोगे तो उनके लिए वो इम्पोर्ट हो जाएगा, तो वो डीम्ड इम्पोर्ट कहलाएगा। ओके, वैसे ही अगर एसईजेड कुछ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को बेचेगा तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए दैट इज डीम्ड इम्पोर्ट, और एसईजेड के लिए दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, समझ आया। अब जो है अपन स्टार्ट करते हैं स्कीम्स को, कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो इस चैप्टर के अंदर कवर हुई हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दी ऑब्जेक्टिव फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं सिर्फ, इसलिए इसका नाम ही है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। इज़ टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, कई तरीके के रिवॉर्ड्स देने का मकसद है इनका, टू एक्सपोर्टर्स। जब आप एक्सपोर्टर्स को रिवॉर्ड्स देंगे यानी उनको बेनिफिट्स देंगे, तभी तो वो अंदर से महसूस करेंगे या अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ हमको काम करना है, हमको एक्सपोर्ट्स में इंडल्ज करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स करने के लिए हमको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। टू ऑफसेट द इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशेंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व एंड टू प्रोवाइड एक्सपोर्टर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक तरीके से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशेंसीज हैं हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, इसलिए हम ये जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स हैं इनको हम लेकर आए हैं। देर शैल बी फॉलोइंग टू स्कीम्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विस रिस्पेक्टिवली। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, यानी गुड्स को एक्सपोर्ट करने की स्कीम्स हो सकती हैं, और सर्विसेज को देने की स्कीम्स, एक्सपोर्ट करने की स्कीम्स हो सकती हैं। तो दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, विच इज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज़ ऑल्सो नोन एज MEIS, एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज़ नोन एज SEIS। किस तरीके के रिवॉर्ड्स या किस तरीके के बेनिफिट्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को इसके अंदर मिल सकते हैं? द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी ग्रांटेड एज रिवॉर्ड्स अंडर MEIS एंड SEIS। द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर, किस किस चीज़ के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो? अच्छा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की बात ये कर रहे हैं, तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? अगर आप जानते होगे तो आपको सोडेक्सो कूपन्स के बारे में पता होगा कि सोडेक्सो कूपन्स अगर आप किसी सुपरमार्केट में देते हो तो आप उनके बदले गुड्स जो भी आपको यूज़ करने हैं वो चीज़ें आप ले सकते हो, राइट? ऐसे कूपन्स भी आते हैं। और अगर कोई एग्जांपल दूँ तो जैसे आप कोई वाउचर जीत जाते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू शॉपर्स स्टॉप एंड दे गिव यू 200 रुपी वाउचर और 1000 रुपी वाउचर और वॉट एवर, तो वो वाउचर देकर आप 1000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हो, राइट? वैसे ही ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट ना इनको क्रेडिट स्क्रिप्ट दे देती हैं, यानी वाउचर्स दे देती हैं कि अगर जो भी टैक्सेस लगेंगे वो इस वाउचर का इस्तेमाल कर कर आप पे कर देना, और फिर अपने जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसको आप कैरी आउट करो। तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, एक तरीके से आपको ये वाउचर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि इस वाउचर का इस्तेमाल करके आप टैक्सेस को पे ऑफ कर सकते हो, तो वो कहलाते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को आप किस लिए यूज कर सकते हो? फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, फॉर इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स और गुड्स, यानी इनपुट्स लाने के लिए आप कस्टम ड्यूटीज के लिए यूज कर सकते हो, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटीज ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स। हालांकि एक्साइज ड्यूटीज़ जो है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, एक्साइज ड्यूटीज़ मैन्युफैक्चर पर लगती थी, अब तो वो GST ही हो गया है। तो जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी इंडिया के अंदर, तो वो बोल रहे हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स, यानी अगर आप एक्सपोर्ट गुड्स करने के लिए कुछ गुड्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो रॉ मटेरियल आप चाहो तो इंडिया से भी खरीद सकते हो, जब आप इंडिया से खरीदते हो तो उसे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो उस डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट जो आप रॉ मटेरियल, जो आपके लिए रॉ मटेरियल है वो किसी ना किसी का फिनिश गुड तो होगा, किसी ना किसी ने उसको बनाया तो होगा, तो उसने उसके ऊपर एक्साइज भी लगाया होगा, और वो एक्साइज ड्यूटी वो आपसे क्लेम करेगा क्योंकि आप उसके गुड्स को खरीद रहे हो, तो वो एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए भी आप इन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो GST हो गया है,
एंड पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, यानी सर्विस टैक्स भी जीएसटी के अंदर कवर हो गया, तो जीएसटी पे करने के लिए भी आप इन क्रेडिट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड पेमेंट ऑफ फी एज पर द फॉरन ट्रेड पॉलिसी, और अगर कोई फी है तो उसके लिए भी आप इन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी डाउट आता है यहाँ तक, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अब जो अपन को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस वाली स्कीम के अंदर अपन को किसके एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है? मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स के बारे में, यानी जो गुड्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट्स के बारे में अपन को इस स्कीम के अंदर पढ़ना है। ये वाली स्कीम सर्विसेज को कवर नहीं करती। सर्विसेज के लिए SEIS है, विच इज़ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, वो इससे अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे उसके लिए, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगने वाली है उस ड्यूटी को पे करने के लिए आपको स्क्रिप्ट्स दे दिए जाएंगे, और उन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके आप उन ड्यूटीज़ को पे ऑफ कर सकते हो। मतलब आपकी जेब से कुछ खर्चा नहीं होगा, ये स्क्रिप्ट्स भी आपको गवर्नमेंट ही देगी। लेकिन गवर्नमेंट आपको स्क्रिप्ट्स तब देगी जब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगे, तो उसके लिए अपन को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ध्यान से पढ़ना होगा। लेकिन पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दैट इज MEIS, इट एम्स टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, स्पेशली दोज हैविंग हाई एक्सपोर्ट इंटेंसिटी। स्पेशली कौन से गुड्स जिनकी एक्सपोर्ट इंटेंसिटी हाई है, यानी ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड जो बाहर के मार्केट में है वो ज़्यादा होगी। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, जिसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट करने का ज़्यादा वो है, एंड देयर बाय एनहांसिंग द इंडियाज़ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी ये इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन गुड्स के बारे में जो है इस ये वाली स्कीम उन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी जिनमें हाई एक्सपोर्ट इंटेंसिटी है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी? एलिजिबल कैटेगरीज अंडर दी MEIS, कौन कौन सी कैटेगरीज है जो एलिजिबल है फॉर MEIS? नोटिफाइड गुड्स विद ITCHS। ITCHS आपको पता ही है, ये क्लासिफिकेशन होता है कि हर गुड्स को वो एक हारमोनियस सिस्टम में क्लासिफाई कर देते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जो है एक आइडेंटिटी उसको दी जाती है। ओके दिस इज़ द इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन टू द नोटिफाइड मार्केट्स एज पर अपेंडिक्स 3B ऑफ द आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ FTP 2015-20 to 2020 शैल बी रिवॉर्डेड अंडर द MEIS। आयात निर्यात फॉर्म्स मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म्स। तो ये जो अपेंडिक्स 3B में जिन गुड्स के बारे में लिखा है उन गुड्स के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। अपेंडिक्स 3B किसका? अपेंडिक्स 3B ऑफ द आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ FTP 2015-20 शैल बी रिवॉर्डेड अंडर द MEIS। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, कैसे आप कैलकुलेट करोगे रिवॉर्ड को? तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा? इट विल बी द रियलाइज्ड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। FOB वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, जब आप गुड्स को शिप पर लाकर छोड़ देते हो उस जगह तक की जो आपकी वैल्यू होगी उसको FOB वैल्यू कहा जाएगा गुड्स की। तो FOB वैल्यू में भी रियलाइज्ड FOB वैल्यू, रियलाइज्ड FOB वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू गुड्स की जो आपको अब मिल चुकी है, यानी आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किए अपने गुड्स, आपने जब एक्सपोर्ट किया होगा सामने वाले ने आपसे ये गुड्स खरीदे हैं तो उसने क्रेडिट पीरियड मांगा होगा कि आप मुझे 30 डेज़ का पीरियड दे दो, इन 30 डेज़ के बाद जो है मैं आपको इन गुड्स के पैसे दे दूंगा। तो ये जो 30 डेज़ के बाद आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, जब आप वो पैसे आपके पास आ जाते हैं उसको कहा जाता है रियलाइज्ड वैल्यू। मतलब ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू थी अब ये रियलाइज हो चुकी है, आपको इसके पैसे मिल चुके हैं। तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड कैसे होगा? रियलाइज्ड FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। फ्री फॉरेन एक्सचेंज मतलब अब इसके अंदर और कोई भी रुकावट नहीं है, आप इस फॉरेन करेंसी को अब कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी चार्जेस लगने थे इसके ऊपर वो अब लग चुके हैं, डिडक्ट हो चुके हैं। अब जो ये फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आपके अकाउंट में आया है अब वो फ्री है, आप उसको फ्रीली जो है दूसरी अपनी इंडियन करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसे कहा जाता है फ्री फॉरेन एक्सचेंज। फ्री फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अब इसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगना बाकी नहीं है, जो भी चार्जेस लगने थे वो डिडक्ट हो चुके हैं। और बीच में और है,
और ऑन द एफ ओ बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एज गिवन इन द शिपिंग बिल्स इन फ्री फॉरन एक्सचेंज। या तो आप रियलाइज वैल्यू के बेसिस पर निकाल लो कि कितना पैसा आपको रियलाइज हो गया और आपके पास आ गया, उसके बेसिस पर आप जो है वो ड्यूटी स्क्रिप्ट का कैलकुलेशन कर लो। अगर आप रियलाइज वैल्यू पर नहीं निकालना चाहते तो एफ ओ बी वैल्यू यानी बेचते टाइम जो वैल्यू रही होगी उसी वैल्यू पर आप निकाल दो, लेकिन वो वाली वैल्यू भी फ्री फॉरन एक्सचेंज टर्म्स में होनी चाहिए, यानी टेंटेटिव कॉस्ट जो है उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी। जो भी उसमें चार्जेस आगे लग सकते हैं वो चार्जेस आपको माइनस करने पड़ेंगे। इन अ नटशेल, सिंपली इसको बस याद करने के लिए कि एम ई आई एस में कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे होगा, तो एम ई आई एस पे कैलकुलेशन होगा आपका एफ ओ बी वैल्यू पर, और एफ ओ बी वैल्यू जो होनी चाहिए वो फ्री फॉरेन एक्सचेंज टर्म्स में होनी चाहिए, यानी जो भी चार्जेस इसके ऊपर लगने वाले हैं चाहे वो बैंकिंग चार्जेस हो या कोई भी और चार्जेस हो, वो सब डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा उस पैसे के बेसिस पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का कैलकुलेशन होगा। फॉर द गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट, ऐसे गुड्स जो कुरियर या फॉरेन पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किए जाते हैं, हो सकता है कि आप इंडियन सेलर हो जो किसी वेबसाइट पे कुछ बेच रहे हो, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जैसे अमेज़ॉन में होता है ना कि आप अपने शहर से अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस करते हो और फिर वो दिल्ली मुंबई या कहीं से भी जो है आपका ऑर्डर कुरियर के थ्रू आपके पास आता है, वैसे ही अगर एक्सपोर्ट्स में ऐसा होगा कि आप इंडियन वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हो, अगर कोई यूएस का आदमी होगा या स्विट्ज़रलैंड का आदमी होगा जिसको इंडियन प्रोडक्ट ख़रीदना है, वो आपकी वेबसाइट विजिट करेगा और आपसे आप ऑर्डर प्लेस कर देगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और आप उनको कुरियर के थ्रू अगर आप उनको देते हो तो वो कैटेगरी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सिंपल बी टू सी मॉडल है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो फॉर द गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट, ऑफिसेज यूजिंग ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस यूजिंग ई कॉमर्स ऑफ एफ ओ बी वैल्यू अप टू ₹25,000 पर कंसाइनमेंट। तो एम ई आई एस में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी अगर आपका पर कंसाइनमेंट वैल्यू ₹25,000 से नीचे है, उस केसेस में आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज मोर देन ₹25,000 पर कंसाइनमेंट, देन एम ई आई एस रिवॉर्ड वुड बी लिमिटेड टू द एफ ओ बी वैल्यू ऑफ ₹25,000 ओनली। अगर 25,000 से ऊपर का कंसाइनमेंट वैल्यू निकल के आता है तो आपको उतना ही क्रेडिट दिया जाएगा जितना ₹25,000 के कंसाइनमेंट तक में दिया जाता है, यानी आपकी जो क्रेडिट वैल्यू होगी वो ₹25,000 के गुड्स तक के उसमें ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगी। मान लीजिए अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 45,000 का आता है तो आपको बेनिफिट सिर्फ ₹25,000 के कंसाइनमेंट में जितना मिलता है उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीलिंग लिमिट है बेनिफिट मिलने की वो ₹25,000 पर कंसाइनमेंट तक की ही है। सच गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड इन मैनुअल मोड, दैट इज थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस एट न्यू दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई। तो ऐसे गुड्स को आप मैनुअल मोड में कर सकते हो एक्सपोर्ट। कैसे कर सकते हो? बाय द वे ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस जो कि लोकेटेड हैं दिल्ली मुंबई और चेन्नई में। इन एलिजिबल कैटेगरीज अंडर एम ई आई एस, मतलब ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में कवर नहीं होती, यानी एम ई आई एस स्कीम इन कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फॉलोइंग शैल बी इन एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एंटाइटलमेंट अंडर द एम ई आई एस। सबसे पहला है ई ओ यूज, ई एच टी पीज, बी टी पीज, एस टी पीज who are availing the direct tax benefits or exemption. EOUs का मतलब export oriented units, EHTPs का मतलब electronic hardware technology park, BTP का मतलब biotechnology park, STP का मतलब software technology park. इनको अलग से ही exclude कर दिया गया है क्योंकि इन सब के लिए अलग से ही tax benefit या tax exemptions दिए जाते हैं जो अपन आगे इस chapter के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा, सप्लाइज मेड फ्रॉम डी टी ए यूनिट्स टू ए सी जेड यूनिट। मैंने आपको बताया ही था कि डी टी ए यूनिट से ए सी जेड यूनिट में जब आप सप्लाई करते हो तो उसको एक तरीके का एक्सपोर्ट माना जाता है या डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। ऑल दो इट इज़ नॉट एन एक्चुअल एक्सपोर्ट, इट इज़ डीम्ड एज एन एक्सपोर्ट, तो इसलिए उन केसेस को भी एम ए आई एस से बाहर रखा गया है। एंड ऑल्सो इन फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन, दैट इज़ एफ टी डब्ल्यू जेड, ये भी सिमिलर ही होता है एज पर सिमिलर टू ए सी जेड यूनिट्स। फिर आता है सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट अलग से ही एक्सक्लूडेड है क्योंकि सर्विस के लिए एस सी आई एस स्कीम जो है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, वो अलग से ही बनाई गई है। फिर आता है डीम्ड एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट। डीम्ड एक्सपोर्ट अलग से एक्सक्लूडेड है, मैंने आपको ऊपर ही बताया, और ट्रांसशिपमेंट भी हटा दिया गया है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि
एक्चुअल में जो कंसाइनमेंट जा रहा था वो मान लीजिए पाकिस्तान से लेके चाइना तक जा रहा था। अब वो पाकिस्तान से चाइना सी रूट से जाने के लिए उसको पूरा इंडिया का पूरा ऐसे साइड से चक्कर लगाकर चाइना तक पहुंचना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो जो शिप निकला पाकिस्तान से, निकलते 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 साउथ में आकर वो चेन्नई के पोर्ट पर रुका। चेन्नई के पोर्ट में रुकने के बाद वहाँ से कुछ सामान उसमें अलग से डाल दिया गया और फिर वो आगे जाकर निकला चाइना की तरफ। तो क्या ये गुड्स या ये जो शिप था क्या वो इंडिया से चला क्या? नहीं, वो इंडिया से नहीं चला, वो पाकिस्तान से चला। वो इंडिया में सिर्फ रास्ते में रुका था। तो जब कोई कंसाइनमेंट आपका रास्ते में रुकता है किसी एक पोर्ट पर तो उसको ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। वो वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होता, वो सिर्फ वहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुका और फिर ब्रेक के बाद वो आगे चाइना की तरफ बढ़ा। तो जब कोई कंसाइनमेंट आपका निकलता है लेकिन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर रुकता है कुछ टाइम के लिए एंड देन वापस अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगता है, तो उसको ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। तो अगर ट्रांसशिपमेंट मोड से कुछ गया है तो उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। आइटम प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर शेड्यूल टू ऑफ द एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ऑब्वियसली प्रोहिबिटेड आइटम्स के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिनके ऊपर कंपलसरी कोई मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है तो उनके ऊपर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल्सो द एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स कवर्ड, यानी अगर कोई ऐसे गुड्स थे जिनको आपने खुद बाहर से इम्पोर्ट कराया था और अब उसको बेचने के लिए एक्सपोर्ट कर दिया तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा चेन हो गया उसके ऊपर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज़ अ कंडीशन दैट कि यहाँ पर वो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है। रेड सैंडर्स एंड बीट सैंड, सैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड अदर प्रेशियस मेटल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ ऑल टाइप्स, इनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डायमंड्स, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये जो आपके प्रेस्टिजियस मेटल्स हैं और प्रेस्टिजियस स्टोन्स हैं जो ज्वेलरी में लगते हैं, इनके लिए अलग से ही स्कीम दी गई है जो अपन आगे पढ़ेंगे। सीरियल एंड शुगर ऑफ ऑल टाइप, इसके ऊपर भी नहीं होगा। क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल एंड ऑयल्स ऑफ ऑल टाइप्स, इसके ऊपर भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नहीं होगा एंड एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल सी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा और वो भी मैन्युफैक्चर होना उनका ज़रूरी है। दूसरी बात, सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सर्विसेज के लिए सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम अलग से बनाई गई है। फिर एलिजिबिलिटी के लिए नोटिफाइड गुड्स होने चाहिए आईटीसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली। अपेंडिक्स 3B ऑफ आयात निर्यात फॉर्म्स के अंदर उसका नोट होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो अपेंडिक्स 3B के अंदर गुड्स की जो सूची बनाई गई है, जो लिस्ट बनाई गई है, सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। ओके, फिर अपन ने इसके अंदर एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी भी पढ़ ली, जो कि आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट्स हो तो मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। आप इसको रिवाइज़ करें पूरी तरीके से। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल में आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, हो सकता है विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आ रही हो। आई वुड रिकमेंड आप अपने सिस्टम पर, अगर घर पे डेस्कटॉप है या आपका लैपटॉप है या जो भी है, उस पर आप व्हाट्सएप वेब से लॉग इन करें और जो मैसेज में आपको लिंक दी गई है उस लिंक को उसी ब्राउज़र में क्लिक करें। व्हाट्सएप वेब खोलकर लिंक को क्लिक करें तो ये पूरी की पूरी ड्राइव आपके सिस्टम के ब्राउज़र में खुल जाएगी और सिस्टम पर आप इसको लार्ज स्क्रीन में देखें, सो दैट द थिंग्स आर विजिबल टू यू एंड यू कैन स्टडी प्रॉपरली। ओके, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, अब सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं पार्ट वन के अंदर, विच इज़ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड स्टेटस होल्डर। सिर्फ ये दो टॉपिक्स बचे हैं पार्ट वन के अंदर जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन स्टडी हार्ड, बी पॉजिटिव एंड कोई भी अगर डाउट्स हो तो मुझे कभी भी पूछ लीजिए या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ डिस्कस करें, सामने आकर खुलकर डिस्कस करें। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे वी कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। ओके, टेक केयर गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।